हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। ट्रस्ट मी, दिस लुक इज वेरी वेरी इजी टू क्रिएट और एट द सेम टाइम काफी सस्ते प्रोडक्ट से मैंने ये वाला मेकअप क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये वाला मेकअप लुक सीखना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर। आप अपने पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं बिकॉज मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपना स्किन केयर अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मेकअप की तरफ बढ़ना है। आपको कभी भी डायरेक्ट फेस पे मेकअप अप्लाई नहीं करना होता है। रोज हिप का सीरम, लाइक मैंने अपने चैनल पे सीरम के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो जरूर से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर यूज करूंगी जस्ट बीबी क्रीम जो कि 10 रुपए का, ये बहुत ही अच्छा है। लाइक 10 रुपीज का क्रीम है बट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आप इसको जरूर से एक ट्राई देकर देखिए, आप फैन हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्रीम है ये। ये पाउच पैकेजिंग में है मेरे पास। टेक्सचर यू विल रिसीव, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपने मेरा मेकअप लुक अंडर ₹50 नहीं देखा हुआ है तो ये वाला वीडियो जरूर से चेक कर लीजिएगा। उसमें सभी प्रोडक्ट मैंने जस्ट अंडर ₹50 शेयर किए हुए हैं, ₹50 के अंदर ही सभी प्रोडक्ट हैं उसमें, तो जरूर से देख लीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट क्रीम है ये और बहुत ही अच्छा कवरेज प्रोवाइड करेगा आपको डेली के लिए। इट इज गुड, कोई भी हल्का फुल्का मेकअप लुक पे आपको जाना है तो बहुत ही अच्छा है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये आपके डार्क स्पॉट को, और अगर आपको थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हैं तो उसको इजीली हाइड कर देगा। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रश से ब्लेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। डेफिनेटली ये वाला क्रीम आप अपने मेकअप किट में जरूर से रखिएगा। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये, इसका टेक्सचर अच्छे से कवर किया है हमारे फेस को, आप देख सकते हैं कि इसने मेरे फेस को जो भी थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स विजिबल था वो पूरे अच्छे से कवर किया है, डार्क स्पॉट्स को अच्छे से कवर किया है। सो बिग थम्स अप फॉर दिस क्रीम। ये था स्पीन्स का बीबी क्रीम। मैं जस्ट मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम जो भी प्रोडक्ट मैंने वीडियो में यूज किया है ताकि आप भी उसको परचेज कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपको लेना है तो आप खरीद सकते हैं। इसका एक छोटू सा 10 रुपीज का यूज करूंगी स्पीन्स पाउडर, हल्का सा ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। बहुत ही ज्यादा सिंपल और एडजस्ट यूज कर रही हूँ, जस्ट एक विंग ड्रो करूंगी उसके बाद स्मज आउट करेंगे हम, दैट्स इट। बहुत ही सही लगता है वो वाला, पर्सनली माय फेवरेट। सो यहाँ पर जो मैं काजल यूज कर रही हूँ वो है मेबलिन न्यूयॉर्क का द कोलासल काजल। आप अपने पसंद का कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक कोई भी काजल यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो लाइक परफेक्ट अप्लाई किया है। अगर आप परफेक्ट अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो भी इट इज वेरी मच ओके, करते हैं जस्ट रैंडम तो भी इट विल बी फाइन। फिर ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी, आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मेकअप अगर आप बेस मेकअप कर रहे हैं या आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं, ब्लेंडिंग इसकी जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे उतने अच्छे से आपका मेकअप रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आपको आई शेडो अप्लाई नहीं करना आता है तो आप ये वाला वीडियो जरूर से चेक कर लीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल और इजी वे में
मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है प्रोडक्ट जो कि है मस्करा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ Maybelline द हाइपल कर्ल मस्करा। अगर आपके पास ये वाला मस्करा नहीं है तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने मेकअप अंडर रुपीज 50 में शेयर किया हुआ है, तो उसमें मैंने 50 रुपए का मस्करा आप लोगों के साथ शेयर किया। आप वो भी अपने हिसाब से अपने वे में कुछ भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये वाला मस्करा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये वाला मस्करा का प्राइस होगा 300 to 350 रेंजेस की, बट आपको ऑन डिस्काउंट 250 तक मिल जाएगा। Amazon या Flipkart पे आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट। बहुत ही सिंपल वे में हमने अपना आई मेकअप कंप्लीट किया है। जस्ट बहुत ही सटल लग रहा है और एट द सेम टाइम काफी ज्यादा सही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पर आप चाहें तो काजल का अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। कर रही हूँ वेला वूस्ट की लिपस्टिक इन द शेड द रेड। ये मैट लिपस्टिक है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शेड है इसका, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है ये। यहाँ पर ये वाला मेकअप लुक कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने बोला था बहुत ही ज्यादा सिंपल रखने वाली हूँ, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है और एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो ब्लश कॉन्टोर हाईलाइट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पर्सनली कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सटल रख रही हूँ, सिंपल रख रही हूँ। सो दिस इज माई फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी मैंने इस वीडियो में प्रोडक्ट शेयर किए हैं आप लोगों के साथ वो काफी ज्यादा सस्ते और अच्छे हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अप्रिशिएट माई वर्क बाय डूइंग जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। ये वाला ज्वेलरी मैंने अपने मीशो ज्वेलरी हॉल में शेयर किया है, अगर आपने नहीं चेक किया है तो ये वाला वीडियो जरूर से चेक कर लीजिएगा। काफी ज्यादा बेहतरीन ज्वेलरी मैंने शेयर किए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। एंड यस गाइज, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लव यू ऑल।